हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आंवला के। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे आज सिपाही भर्ती यानी कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, इससे पहले जिन लोग चैनल पर नए हो उन लोग पास में बेल आइकन का घंटी है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं सिपाही भर्ती। तो दोस्तों, ये जो है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती है, इसका जो वेबसाइट है www.csbc.bihar.nic.in। ऐसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF दे देंगे, वहाँ पर आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है बिहार सरकार में वनरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का है, जो इसके लिए पुरुष और महिलाओं दोनों भर सकते हैं। इसका ऑनलाइन का जो अंतिम तिथि है 4 तारीख 9वां महीना 2020 यानी कि 4 सितंबर 2020 को इसका अंतिम तारीख है फॉर्म भरने का। इसका विज्ञापन संख्या जो है 3/2020। इसका वेतन मान की बात करें तो 21,700 रुपया से लेके 69,100 रुपया लेवल 3 पर मिलेगा। इसकी जो पोस्ट टोटल है 484। ये जो है दोनों पुरुष और महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी विज्ञापन संख्या जो है 3/2020 को जारी किया जा रहा है। इसका ऑनलाइन जो आवेदन करने का है, मतलब यानी भरने का जो डेट है 21 तारीख 7वां महीना 2020, मतलब आज ही के डेट में है, उसको आज से ऑनलाइन कर सकते हैं। पांचवा है रिक्ति, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार पटना का अधियाचना पत्र संख्या 29/5 के अनुसार वनरक्षी पद पर रिक्त 4। अब बात करते हैं जनरल के लिए 186 पद है और उसमें 35% जो है महिलाओं के लिए है, तो उसकी 58 पोस्ट है। इकोनॉमिक कंडीशन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 41 पद है, उसमें 12 सीट जो है महिलाओं के लिए है, जो 35% आरक्षण पे है। तीसरी है अनुसूचित जाति, उससे 72 पोस्ट है और 25 जो है महिलाओं के लिए है। फिर है अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पोस्ट टोटल है, उसमें 2 पोस्ट महिलाओं के लिए है और 2 पोस्ट जो है बैकलॉग पदों के संख्या के लिए है। पांचवा बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 46 यानी 46 पद है, उसमें 17 पद महिलाओं के लिए हैं। फिर बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग में 125 सीट है टोटल, उसमें 17 सीट महिलाओं के लिए हैं, 71 सीट अनकैटेगरी के लिए हैं। फिर सातवां बात करें पिछड़े वर्गों की महिला के लिए, उसमें 7 सीट है जो महिलाओं के लिए एक भी नहीं है, टोटल जो हुआ 484 पोस्ट। अब बात कर लेते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25/26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक राज्य के 22 स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या है, उसमें 9 सीट है। कट ऑफ की बात कर ले तो इसका 1 जनवरी 2020 को निर्धारित किया जाएगा। 8वां है वनरक्षी पद पर आवेदन हेतु पात्रता, जो इंडियन है उन लोग भर सकते हैं। अब इसके शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो इसमें 10+2 मतलब किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय से हो, या यूपी को हो, या मध्य प्रदेश के हो, या बिहार के हो, कहीं का भी हो, आप लोग इसमें भर सकते हैं। और इसमें जो है मैट्रिक पर जो उसका जन्म तिथि है उसी के अनुसार आप लोग भर सकते हैं। अब पुरुष एवं महिलाओं की बात करें तो न्यूनतम उम्र 18 साल चाहिए, अधिकतम 23 वर्ष। 23 वर्ष से ज़्यादा रहेगा तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 18 साल से कम रहेगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, पुरुष महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष तक चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। पांचवा बात है बिहार सरकार में कार्यरत ऐसी सरकारी सेवक जिन्होंने कट ऑफ तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो एवं जो इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहे, उनके लिए आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। छठी बात है अभ्यर्थी की आयु की गणना मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। अब इसका हम बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। तो पुरुष के लिए जो है न्यूनतम इसका हाइट 160 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर। जो इसमें है
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों के हैं। सीना उसका मतलब बिना फुला है 79 सेंटीमीटर का और अन के लिए 81 सेंटीमीटर। फिर सीना न्यूनतम फुलाव मतलब नॉर्मल इसका जो फुलाव है 5 सेंटीमीटर और अन के लिए भी 5 सेंटीमीटर। पैदल चलने की क्षमता इसमें 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होगा और अन के लिए भी 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना होगा। तो ये दोनों के लिए सेम है। महिला अभ्यर्थी की बात कर ले उसका शारीरिक परमाप न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और अन के लिए 160 सेंटीमीटर। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर और अन के लिए भी 4 घंटे में 14 किलोमीटर। ये जो है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति दोनों के लिए बराबर है, दोनों कैटेगरी के लिए है। अब इसकी नियुक्ति यानी कि चयन की प्रक्रिया इसका क्या है, तो प्रथम चरण में इसका लिखित परीक्षा होगा जो 10+2 के आधार पर होगा। 10+2 में ही क्वेश्चन आता है उसी तरह इसमें प्रश्न आएगा। बाकी जो इसका होगा हिंदी भाषा में होगा, हिंदी भाषा के प्रश्न को छोड़कर और शेष प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेंगे। प्रश्न पत्र की बात करें तो 2 घंटे के प्रश्न पत्र होंगे, उसमें 4 भाग होंगे जिनमें 100 प्रश्न होगा टोटल और प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक मिलेंगे और लिखित जो कुल परीक्षा है 400 अंक है, यानी कि 100 क्वेश्चन गुना 4 नंबर टोटल 400 होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर का। अब भाग वन में बात करते हैं 30 प्रश्न जो होगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय इतिहास आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन एवं आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होगा। तो ये इसका सिलेबस है। दूसरा भाग रहेगा 25 प्रश्न जो 10वीं कक्षा के स्तर पर आधारभूत संख्यन आंकड़ों का निर्वचन आंकड़ों की पर्याप्तता आदि से संबंधित प्रश्नों पर आधारित रहेंगे। तीसरा भाग इसका जो है 25 प्रश्न रहेगा समान ज्ञान, समान विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, पर्यावरण परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी से। फिर चौथा होगा इसका भाग हिंदी भाषा में विचारों को सही रूप से प्रकट करना और तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता की परीक्षा करना है। भाग चार में 20 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा, दिए गए गद्यांशों को समझना है, शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण। अब इसका पाठ्यक्रम की बात करें तो लिखित परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट यानी कि सिलेबस शीर्ष के अंदर सिलेबस फॉर फॉरेस्ट गार्ड एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टाइप के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 01/2019 के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अंकों का वर्गीकरण विस्तृत रूप से दिया गया है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा। अब पाठ्यक्रम वेबसाइट पर देखो और डाउनलोड किया जा सकता है। अब इसका निगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो सभी गलत उत्तरों के लिए निम्न प्रकार सर्णात्मक अंक दिए जाएंगे। कम है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए 4 विकल्प होगा मतलब जिसे 4 ऑप्शन रहेगा उसमें उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी कि इसका जो है निगेटिव मार्किंग 1/3 यानी कि एक गलती पर जो होगा 1/3 नंबर कटेगा। ख की बात करें तो यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा, यानी कि जैसे कि आपको ये चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में आप इसमें भी भर दिए जैसे इसमें ए हो गया और आपको लग रहा है इसमें बी हो गया, दोनों रंग है तो आपका ये गलत माना जाएगा, इसका 1/3 नंबर आपको लॉस हो जाएगा। ख में यदि प्रश्न को खाली छोड़ दिया गया है तो अर्थात उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया तो प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा, यानी कि जिससे कि आप ये जो चार ऑप्शन है आप इसको छोड़ देते हैं तो आपका इसमें कोई लॉस नहीं होगा। तो सबसे अच्छा रहेगा आपको नहीं उसका उत्तर आता है तो उसे छोड़ दीजिए। इसका जो होगा OMR उत्तर पुस्तिका होगा, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित पर उत्तर पुस्तिका वांछित सूचनाओं तथा यथा रोल नंबर प्रश्न पुस्तिका नंबर अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर के पर विशिष्ट दिए गए आवश्यक निर्देशों अनुसार करेंगे।
उत्तर पुस्तिका OMR पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्ट करने की स्थिति में अभ्यर्थी रद्द समझी जाएगी, यानी कि जिससे कि इनविगलेटर जो आते हैं उनके अनुसार नहीं भरेंगे तो आपका OMR रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका वहाँ से जिंदगी बर्बाद हो सकता है। इसीलिए आप उसको उत्तर पुस्तिका को अच्छा से भरना होगा और नहीं आएगा सर या मैम होंगे क्लास में उनसे पूछ लीजिएगा, इसका जिम्मेदार उसका नहीं होगा। अब इसका हम कट ऑफ की बात कर ले तो कट ऑफ मार्क्स क्या रहता है, तो समान वर्ग के लिए जो रहता है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए रहता है 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्सचर यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग एवं समस्त आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 32% इसका जो है कट ऑफ मार्क रहता है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने में असफल रहेंगे वे निरहित यानी कि डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाएंगे तथा उन्हें शारीरिक परीक्षण और शारीरिक क्षमता दक्षता परीक्षा में भाग लेने हेतु स्वीकृत नहीं दी जाएगी, यानी कि जो एग्जाम में क्वालिफाई होगा उन्हीं के लिए यह अप्लाई होगा शारीरिक मापदंड, और जो लोग डिस्क्वालीफाई होगा उनके लिए कोई जगह नहीं है इसमें। जिन अभ्यर्थियों का कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा शारीरिक परीक्षा दस्तक परीक्षा में अभिलेख सत्यापन में भाग लेना नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो COVID-19 से संक्रमित मिलेंगे या उसमें कोई भी लक्षण दिखा जाएगा उसके लिए एग्जाम देना नहीं मिलेगा। अंतिम मेधा सूची इसका जो लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर मेधा अनुसार मेरिट वाइज आरक्षण कोटेवार तैयार की जाएगी, यानी कि उसमें जो है मेरिट वाइज में उसका नाम आएगा। लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके पारस्परिक स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा की उत्तर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थियों के मेधा सूची स्थान पर रखा जाएगा। तो दोस्तों ये ऑनलाइन आवेदन का प्रक्रिया है जो 21 से हो रहा है, तो पहले भी बताए हैं और आप इस साइट पर जाके भर सकते हैं, इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे साइट, वहां से भी जाके भर सकते हैं। इसका अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनारक्षित समान वर्ग अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 450 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 112 रुपये लगेगा। आप लोग इसका नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ये वैकेंसी, इसका पूरे डिटेल मैंने बता दिया। तो थैंक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।